ये तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ से आई हैं। लखनऊ में आज 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले के पीड़ित अभ्यर्थी यूपी विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया। विधानसभा के बाहर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे, लेकिन यूपी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। विधानसभा का घेराव कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस बसों में भरकर काशीराम इको गार्डन छोड़ रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का आंदोलन पिछले 157 दिनों से जारी है। अभ्यर्थी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। खत्म हो गया है। हम अपनी मांगों को लेकर विधानसभा हमारे द्वारा चुने गए लोग यहाँ बैठते हैं। हम उनसे बताने आए हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है। योगी जी को न्याय दे रहा हूँ। आरोप है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में यूपी सरकार ने अनुसूचित जाति के 21% आरक्षण और ओबीसी के 27% आरक्षण का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से करीब 20,000 नौकरियां सवर्णों को दे दी गई। पिछले 157 दिन से एससी और ओबीसी अभ्यर्थी कांशीराम इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।